अच्छा, पिछले साल मेरे बोर्ड्स थे और मैं पढ़ रहा था। एक्चुअली पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि मैंने साइंस ले ली थी, या फिर साइंस मेरी ले ली। कुछ समझ नहीं आ रहा था भैया, तो मैंने अपने नोट्स सिमरन को दिए हुए थे क्योंकि मेरा उस पर थोड़ा सा था, पर उसका मेरे पे बिल्कुल भी नहीं था। पर मुझे लगा कि इसकी हेल्प करूँगा, केयर करूँगा तो एक दिन पढ़ जाएगी। चूतिया था मैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम हेल्प करोगे, केयर करोगे और वो पट जाएगी? नहीं, उसको बोलो कि तेरे को कल छोड़ दूंगा, अभी आएगी भगी भगी। ओ प्लीज प्लीज। तो मेरे को नोट्स चाहिए थे क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा फिजिक्स का एग्जाम था। फिजिक्स सुनते ही डर लगता है ना। दूर गांव में जब बच्चा रोता है ना, तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा सो जा, नहीं तो न्यूटन ग्रेविटेशन के लॉ समझाने आ जाएगा। बच्चा भी सो जाता है, फक पहन चुके, ग्रेविटेशन तो बहुत हार्ड है, सो जाओ चुपचाप। तो मैं सिमरन के घर गया नोट्स लेने, बैल बजाई, अंकल जी नीचे आए, मुझे देख के चौंक गए। बेटा तुम तो सिमरन के दोस्त आदित्य हो ना? मैं कहा, अंकल जी आप तो सिमरन के बाप शीशपाल हो ना? मुझे लगा इंट्रो ऐसे होता। फिर मैंने बताया कि अंकल जी मैं सिमरन की ट्यूशन पढ़ता हूँ और उसे मैंने नोट्स दिए थे तो मुझे भी नोट्स चाहिए थे। अंकल जी कहने लगे, पर बेटा सिमरन तो ट्यूशन गई है। मैंने कहा, अंकल जी ट्यूशन की तो छुट्टी है। कहते क्या बात कर रहा है? मगर अंकल जी ट्यूशन की तो छुट्टी है। कहते क्या बात कर रहा है? अंकल जी चूतिया हो क्या? दोनों बार सेम ही तो बोला हूँ। अंकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मूड खराब रहता है, चलता फिरता किसका सर खोल दूँ मुझे खुद नहीं पता। अभी बात आपसे कर रहा हूँ लेकिन दिमाग में ऑप्टिक्स चल रही है। फिजिक्स का नाम सुना है जो दिमाग का भौसड़ा कर देती है? कल उसका एग्जाम है और वो गई होगी कहीं अमित के साथ अपना माउथ ब्लैक करवा रही होगी। ये लाइन मैंने उनसे नहीं बोली, बेटी है ना उनकी, बुरा मान जाते। तो अंकल जी थोड़ा नर्वस हो गए, कहते बेटा जब वो आएगी तो मैं नोट्स भिजवा दूंगा, अभी आप जाओ। मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे को अभी नोट्स चाहिए, मैं यहाँ पे बैठ के वेट करता हूँ क्योंकि मेरे को सब कुछ देखना भी था, क्योंकि मेरे को नोट्स अभी ही चाहिए। मैं बैठ गया, ये आई, ये परी अब भी उड़ रही है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं। आई एम लाइक अभी पर कुतर दिए जाएंगे तेरे। यही स्टेट्स पे चढ़ गई, मम्मी को बोलिए मम्मी कॉफ़ी भिजवा देना मेरे रूम में, मेरे को आज कुछ ज़्यादा ही पढ़ना है और प्लीज़ मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करना। इतने में पापा ने आवाज़ मारी, बेटा इधर आओ। ये कह रही, पापा नहीं 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 मेरे अभी मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज़ बातें मत करना। अरे इधर आ बैठ यहाँ। इतने में अंदर से मैं निकला, मेरे को देख के इसके होश ही उड़ गए। इसकी मेरी आँखों में बात हो रही है, तूने कुछ बताया तो नहीं? सब सब बताया मैंने। कहती क्यों? ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। पर ये अब भी कॉन्फिडेंस में और फील्डिंग में लगी हुई है। तो पापा ने पूछा, बेटा कहाँ गई थी? पापा ट्यूशन, बोला था आपको मैं ट्यूशन जा रही हूँ। पर बेटा ये तुम्हारे ट्यूशन में और ट्यूशन की तो आज छुट्टी है। हाँ ट्यूशन में गई थी, पर ट्यूशन की छुट्टी थी। हाँ एग्जैक्टली ट्यूशन की छुट्टी थी, तो मैं अंजलि के साथ उसके घर पढ़ने लग गई, मैं बताना भूल गई थी। पर बेटा मैंने अंजलि के घर भी फ़ोन करके पूछा था, तुम वहाँ भी नहीं थी। ओ अंजलि और मैं जब घर गए ना, तो घर में सारा कुछ बिखरा हुआ था, तो हम उसके बाद फिर मनीषा के घर निकल गए पढ़ने। हम मनीषा के घर पढ़ रहे थे, बेटा मनीषा घर भी फोन करके पूछूंगा। पापा पागल हो गया, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। क्या बोलूं, अमित के साथ गई थी घूमने, हैं? तब यकीन होगा तुम्हें, तब अच्छा लगेगा, है ना? इसके पापा सुधरे, बेंचू कहीं गलती मेरी तो नहीं है, तुमने गलत तो नहीं कर रहा इसे पूछ के? पर पापा होते हैं प्यार बहुत करते हैं बेटी से, सुन लेते हैं। पर मम्मी का ऐसा सीन नहीं होता। पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये सब चल रहा है और आंटी जी बैकग्राउंड में सीरियल देख रही है। आई एम लाइक बेटी के मायके में कुछ भी हो जाए लेकिन ससुराल सिमर का तना दिन मिस ना हो जाए। पर थोड़ी देर बाद सीरियल खत्म हुआ, आंटी जी आए और बाल पकड़ के घसीटते हुए अंदर ले गए। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। आई एम लाइक भगवान पार्टी लेगा, पिज्जा खाएगा पिज्जा, मैं मार काले यार। तो अंदर ले गई, उसकी मम्मी बोले, देख अब तेरा माई लाइफ माई रूल खत्म, योर लाइफ माई रूल शुरू। ये बर्तन धो और सास बहू के सीरियल देख के जिंदगी बिता दे, तेरा बाहर जाना बंद। कितना सुकून आएगा यार आज, मैं मर ना जाऊं। तो मैं ये सब देख रहा हूँ तो मैं ना कुछ ज़्यादा ही फील में आ गया। मैं आंटी के पास गया, मैंने बोला, आंटी जी देखो यहाँ पे जो सब भी हो रहा है ना, ये मैंने ही किया है, मैंने ही आपको बताया कि यहाँ पे नहीं थी तो आप इसे मार रहे हो ये सब। आंटी जी प्लीज एक चाटा मार दोगी क्या? कैसी भी है बेटी तो नहीं किया, मेरे ही चाटा मार दी। कह रही चल लुक्खे यहाँ से भाग जा। दो तीन चाटे मार को मेरे घर से निकाल लिया।
पर यार पता नहीं मेरे को चाटों का ना दर्द नहीं हुआ, कुछ असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मार के सामने ना सुकून का लेवल बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम फिर पिटेंगे, मारो आंटी प्लीज़।